मेरा नाम पूजा है, मैं ग्रामीण क्षेत्र गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिनोद से आई हूँ। मेरा यहाँ डीपीसी डिपार्टमेंट में जॉब फेयर लगा हुआ है। यहाँ हम शिक्षा विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये कदम उठाया। उनको ऐसे कदम उठाते रहना चाहिए, इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार बढ़ेगा और गरीबों की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी उनमें, और इससे हम जॉब भी करते रहेंगे, हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी, भविष्य बना सकते हैं, और इससे हम हमारा भविष्य बना सकते हैं। हम अपने ऊपर, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, हम इंडिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ जॉब फेयर के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा अवसर मिला है हमें, यहाँ जॉब करने का इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे अभी। यदि आपको जॉब मिलती है तो क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बेरोजगारी थोड़ी कम होगी, जिससे हम बहुत बड़ा फायदा होगा। और यहाँ जो फिर आए हमारे रोज़गार मेला में आए हों, और इस यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, हमने इंटरव्यू दिया है अभी, और ये जो भी इंटरव्यू हो रहा है इस रोज़गार के लिए ही हो रहा है। इस रोज़गार मिलता है आपको कितना फ़ायदा होगा, किस प्रकार का फ़ायदा होगा? इससे हमारे खर्चा निकल जाएगा और हम आगे पढ़ भी पाएंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से विद्यालय स्तर पर एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। यह पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया है, जो स्कूली स्तर पर बच्चे हैं स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। सरकार ने जो ये पहल की है ये बहुत ही लाभदायक बच्चों के लिए लाभदायक है, क्योंकि स्कूली स्तर के बाद जो बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते और उन्हें रोज़गार की आवश्यकता होती है, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि जिला स्तर पर विभिन्न कंपनियों को इनवाइट करके एक रोज़गार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जिला भिवानी में एक दिवसीय जिला स्तरीय रोज़गार मेले का आयोजन किया है। इसमें लगभग 12 कंपनियाँ आई हैं जो रोज़गार देने की इच्छुक है, इन बच्चों को लाभान्वित होंगे। इनमें मुख्यतः आईटी सेक्टर से HCL नामी गिरामी कंपनी है, उसके मेंबर्स आए हैं। पानीपत से सर्च फॉर टैलेंट नाम से कंपनी है, वो आई है। और आलूवालिया एंटरप्राइजेज कंप्यूटर सेक्टर में बड़ा नाम है भिवानी जिले से, वो कंपनी आई है। साथ ही हेल्थ केयर में बहादुरगढ़ से एक कंपनी है मेडिप्लस, जो बच्चों को रोज़गार देने के लिए आगे बढ़कर आई है, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक रोज़गार मिलेगा। अन्य सेक्टर ब्यूटी एंड वेलनेस में सेफ्स एंड सेड्स सहनाज दीवानी सहनाज ब्यूटिक है, उनसे हमारे बच्चों को एम्प्लॉय देने के लिए आए हैं, मेहमान आए हमारे पास। बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस वगैरह। इसी तरह ऑटोमोटिव में बहादुरगढ़ से नियो लाइटिंग कंपनी है, जो बच्चों को अधिकृत करने के लिए रोज़गार देने के लिए आई है। अनेक अन्य सेक्टर्स हैं, उनमें भी बहुत सी कंपनियां आई हैं जो हमारे बच्चों का इंटरव्यू लेके साक्षात्कार लेके रोज़गार प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरह की सरकार का जो फैसला है, सरकार का जो निर्णय लिया गया है सरकार ने रोज़गार के लिए, यह स्कूली स्तर के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये एक दिवसीय जो रोज़गार मेला है, इसका आयोजन भविष्य में भी आने वाले बच्चों को मोटिवेट करेगा। इस प्रकार के रोज़गार मेले से बच्चे मोटिवेट होंगे कि पढ़ाई के साथ, पढ़ाई पूरी करते ही हमें रोज़गार मिल रहा है। तो इन जो NSQF के तहत हमारे विभिन्न स्कूलों में जो कोर्स चल रहे हैं, उनके प्रति बच्चों का रुझान और बढ़ेगा, बच्चे विभिन्न कौशलों में निपुण होंगे। और अब ये केवल एक नए रोज़गार के साथ स्वयं भी अपना रोज़गार कुशल रहे, इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने NSQF के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके टूल किट्स भी दी गई हैं, ताकि बच्चे खुद प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद।